हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो थ्री टाइप्स के ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं। एक होते हैं फुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एक होते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और थर्ड होता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। फुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, इंटायर ट्रेनिंग डेटा और होल डेटा इज़ यूज्ड एट वंस टू कंप्यूट द ग्रेडियंट। फुल बैच में क्या होता है, जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स गिवन है, जैसे 1000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स गिवन है जिनके थ्रू हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, तो उस पूरे ही ट्रेनिंग डेटा पर ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो ये एक स्लो एल्गोरिथम है क्योंकि यहाँ पर आप पूरे कंप्लीट डेटा सेट पे ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट होता है स्टोचेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसमें क्या होता है, सिंगल ट्रेनिंग डेटा और सैम्पल डेटा इज़ यूज टू कंप्यूट द ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ग्रेडियंट को या इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए सैम्पल डेटा का यूज़ किया जाता है, ना कि पूरे डेटा को। सैम्पल डेटा या सिंगल ट्रेनिंग डेटा पे इसको अप्लाई किया जाता है, ना कि पूरे डेटा को यूज़ करके। तो ये एक फास्ट एल्गोरिथम है। थर्ड टाइप इज़ मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इन मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट वी कैलकुलेट ग्रेडियंट फॉर ईच स्मॉल मिनी बैच ऑफ ट्रेनिंग डेटा। तो मिनी बैच में हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं मिनी बैच को लेके, स्मॉल मिनी बैच को लेके। जैसे हमने बना दिया कि एक बैच में m एग्जाम्पल्स होंगे, m सैम्पल्स होंगे जिन पे हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, और m की वैल्यू 30 to 500 हो सकती है। तो ये अगर आपके पास 10,000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं और अगर आप इन सभी पे ये टेक्निक अप्लाई करके ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये होगा फुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आप सिंगल ट्रेनिंग डेटा पर ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये होगा स्टोचेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैच में क्या होगा, 10,000 जैसे टोटल ट्रेनिंग डेटा थे, उसमें से आप 30-30 के बैचेस यूज़ करके ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ कहाँ होता है, कंपाइलर्स को डिज़ाइन करने में, CPUs को डिज़ाइन करने में, या वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए जो ऑप्टिमाइजर्स यूज़ होते हैं उनमें मिनी बैच का यूज़ किया जाता है। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कैलकुलेट्स ग्रेडियंट बाय डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन।